हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सा स्मज्ड विंग्ड आईलाइनर लुक शेयर करने जा रही हूँ एंड आई होप आपको ये लुक पसंद आ रहा होगा। एंड अगर आप जानना चाहते हैं मैंने किस तरह से इस लुक को अचीव किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ एंड आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैंने ब्लैक एंड ग्रे कलर के आई शेडो का यूज़ किया है। नेक्स्ट मैं अपनी आईलिड पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो भी डार्कनेस है वो हाइड हो जाए। एंड नेक्स्ट हम जो आई शेडो अप्लाई करने वाले हैं वो अच्छी तरह से पॉप आउट हो। कंसीलर अप्लाई करने के बाद हम उसको सेट कर लेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से ताकि कंसीलर क्रीज ना करे। नेक्स्ट मैं वेट एंड वाइल्ड के पैलेट में से ये ब्राउन कलर का ट्रांजिशन शेड पिक करके एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ये अनदर शेड पिक कर रही हूँ एंड इसको मैं अपनी क्रीज लाइन में ब्लेंड कर लूँगी। एंड आई शेडो को अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि आई शेडो देखने में ब्लेंडेड लगे। नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी के ब्लश पैलेट में से ये गोल्डन कलर का हाइलाइटर पिक कर रही हूँ एंड मैं इसको अपनी पूरी आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी एंड उसके बाद हम एजेस को ब्लेंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट मैं विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ करने के लिए काजल का यूज़ कर रही हूँ एंड आप देख सकते हैं मैंने आउटर वी पे टेप अप्लाई किया हुआ है तो इससे हमारे आईलाइनर की शेप भी अच्छी आएगी। नेक्स्ट मैं एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से ये ब्लैक आई शेडो पिक करके काजल को सेट कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से स्मोक आउट कर लूँगी आईलाइनर को। नेक्स्ट मैं अपनी वाटर लाइन में काजल अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं अपनी लोअर लैश लाइन को सेम ब्लैक आई शेडो की हेल्प से स्मोक आउट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपने इनर कॉर्नर्स एंड ब्राउन्स को हाईलाइट करूँगी एंड आई लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।